So guys, welcome back to my channel. My name is Gerard and you're watching Gerard Gom. So guys, today the car that I have for you is none other than the 2024 Hyundai Venue. अभी ये जो वेरिएंट है, दिस इज द एस वेरिएंट, मतलब बेस वेरिएंट, ई वेरिएंट आता है उसका ऊपर वाला वेरिएंट है ये एस वेरिएंट। एंड फॉर मोस्ट पीपल गाइज ये भी बहुत एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। एंड इस वेरिएंट पे आपको डीजल ऑप्शन का भी मतलब डीजल इंजन ऑप्शन भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अभी इसका एक शोरूम प्राइस के बारे में अगर बात करूँ गाइज, इसका एक शोरूम प्राइस अराउंड 9.11 लाख है। ऑन रोड आपके शेयर के ऊपर डिपेंड करेगा, तकरीबन आपका 10 लाख 20 से 10 लाख 30 तक इसका ऑन रोड आपका आ जाएगा आपके शेयर पे मैक्सिमम, मतलब ऐसा ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। सो गाइस, गाड़ी के बारे में बात करने से पहले मैं इसका चाबी आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो ये कुछ चाबी है। सो यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये आपका गाड़ी लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। एंड अगर आप होल्ड करेंगे आपका बूट ओपन हो जाएगा। बट इसका जो सेकंड की है उसमें आपको कोई बटन नहीं मिलेगा, आपका नॉर्मल सा आपको की मिल जाएगा। अभी गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में अगर बात करूँ गाइस, आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि वेन्यू अपडेट हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये डार्क क्रोम पे अभी ग्रिल मिल जाता है, हुंडई का लोगो आपको यहाँ पर क्रोम पे मिलता है, डार्क क्रोम पे। ये एक अच्छा चीज़ है कि हुंडई ने इसको अपडेट नहीं किया, क्योंकि मुझे ये क्रोम का लोगो ज़्यादा पसंद होता है। हेडलाइट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, हेडलाइट्स आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर सेटअप पे मिलता है, हैलोजन लाइट्स है, बट ये आप एलईडीज में अपडेट कर सकते हो, कोई भी उसमें आपको समस्या नहीं होगा। जो मिलता नहीं है वो है डीआरएल। सो आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्रोम लाइनिंग मिल जाता है, बट कोई डीआरएल आपको नहीं मिलेगा। आपको पार्किंग लाइट मिलता है जो आप वहाँ पर देख सकते हो। इंडिकेटर आपको हैलोजन में मिलेगा, वो तो फिलहाल मतलब टॉप वेरिएंट में भी आपको हैलोजन ही मिलता है। सो यहाँ पर कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। यहाँ पर जो सामने का जो बम्पर है, बम्पर में आपको कोई फॉग लाइट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हुंडई ने जो अपडेट किया था इस गाड़ी को, फॉग लाइट उन्होंने हटा दिया था। सो टॉप वेरिएंट में भी नहीं है, इस वेरिएंट पे भी आपको नहीं मिलेगा। सो सामने का लुक आपको कैसा लगता है इस वेरिएंट का, आप मुझे जरूर बताइए। एंड अगर आप एस वेरिएंट ओन करते हो देन आप जरूर बताइए वेदर आपने कोई हेडलाइट्स में अपग्रेड किया है कि नहीं। गाड़ी का साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा है गाइस एस वेरिएंट का। सो पहला चीज जो आपके आंखों में लगेगा वो है इसका व्हील्स। सो यहाँ पर आपको कोई मतलब अलॉय ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको स्टील व्हील मिलता है व्हील कैप्स के साथ। एंड इसका प्रोफाइल जो है वो है 195/55 R15। सो इस वेरिएंट पे आपको 15 इंची का टायर मिल जाएगा। सामने ऑब्वियसली आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। एंड ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, सो ऑब्वियसली व्हील क्लैडिंग तो आपको मिलेगा। इस वेरिएंट पे आपको इंडिकेटर फेंडर पे मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड ये आपका हैलोजन में है। इसका जो मिरर्स है, मिरर्स आपको मैनुअली ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिल जाता है, बी पिलर आपको मैट बैक पे मिलता है, ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाता है, बट ये सिर्फ शो के लिए है गाइस, आप यहाँ पर कुछ मत रखिए। एंड सनरूफ है तो और भी मत रखिए, बट इस वेरिएंट पे फिलहाल सनरूफ है नहीं। पीछे आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो बॉडी कलर में। पीछे का जो टायर्स है, पीछे भी आपको सेम प्रोफाइल का टायर मिलता है, 195/55 R15। और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है, कोई भी डिस्क ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, बट ABS CVT आपको चारों व्हील्स पे ही मिलता है। पीछे का जो खासियत है वो है इसका जो टेल लाइट्स। अभी ये एस वेरिएंट है, इसमें आपको कोई एलईडी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ सो क्या ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। सो गाड़ी में अनलॉक करता हूँ एंड यहाँ पर चाबी डाल के मैं एक बार आपका रियल लाइट चेकआउट करवा देता हूँ, सो आपको एक आइडिया हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। सो पीछे का लाइट सेटअप अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपको कोई कनेक्टिंग ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो टॉप मॉडल में मिलता है, बट इसमें आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ ये हैलोजन लाइट मिलता है दोनों तरफ, सर आपका पार्किंग और ब्रेक लाइट आपका हैलोजन मिलता है। इंडिकेटर्स तो भाई टॉप मॉडल में भी आपको हैलोजन ही मिलेगा, सो इस वेरिएंट में भी सेम है। रिफ्लेक्टर के साथ आपको रिवर्स लाइट मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर है, एंड उस तरफ आपको मिल जाएगा। एंड पीछे आपको दो पार्किंग सेंसर मिलता है गाइस, एक यहाँ पर है एंड एक आपको उस तरफ मिल जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर मैट ग्रे पे स्किड प्लेट मिल जाता है। वेन्यू का बैजिंग है। इस वेरिएंट पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलेगा गाइस, सो कोई भी आपको कैमरा नहीं मिलता है, बट वो एज एन एक्सेसरी आप फिट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द रियर विंडो गाइस, यहाँ पर सिर्फ आपको डिफॉगर मिलता है, कोई वाइपर या आपको वॉशर नहीं मिलेगा। एंड एक हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको दिया गया है। बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर मिल जाता है। सो जो मिलता नहीं है गाइस वो है पार्सल शेल्फ, बट द गुड थिंग इज दैट आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाता है सीट पे, सो दैट इज प्रीटी गुड। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है इवन फॉर द रियर पैसेंजर, सो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कोई आपको लाइट फाइट कुछ नहीं मिलता है, एंड कोई आपको हुक भी नहीं मिलेगा। एटलीस्ट एक हुक देना चाहिए था एटलीस्ट वन साइड में, बट मैं क्या जानू, वो तो हुंडई का ही डिसीजन है। यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग लिप थोड़ा सा है। बूट का जो इन्फॉर्मेशन है मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आप देख के एक आइडिया बना सकते हो। सो बूट करते हैं बंद गाइस एंड रियर डोर पे चलते हैं। सो रियर डोर अगर मैं ओपन करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो डुअल फिनिश आपको मिलता है इंटीरियर पे, व्हाइट और ब्लैक पे। सैटिन पे डोर हैंडल है, यहाँ पर आपका पावर विंडो का स्विच है, नीचे आपको स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाता है बॉटल होल्डर के साथ। सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, यहाँ पर आपको फुल फैब्रिक फिनिश मिलता है डुअल मतलब पैटर्न पे, या आपका व्हाइट कलर है या आपका ब्लैक कलर है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था। यहाँ पर आपको मिलेगा आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स। सो चलिए गाइस अभी बैठते हैं अंदर एंड एक बार इंटीरियर चेकआउट कर लेते हैं।
सो इंटीरियर में अगर देखो गाइज, ये जो सीट है दिस इज अकॉर्डिंग टू माई ड्राइविंग पोजिशन एंड मेरा हाइट अराउंड 6 फीट है, ज्यादा लेग रूम मुझे नहीं मिल रहा है। यही एक प्रॉब्लम है वेन्यू और सोनेट का कि रियल लेग रूम ज्यादा नहीं है, यही एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अंडर थाई सपोर्ट काफी अच्छा है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। बीच में आपको एस वेरियंट पे भी रियर एसी वेंट्स मिल जाता है, ब्लोअर कंट्रोल के साथ 2 USB Type-C का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, भाई और क्या चाहिए। ना विथ के बारे में अगर बात करूँगा, इस 2 बंदे के लिए वेन्यू एकदम सही गाड़ी है, ज्यादा चौड़ा गाड़ी नहीं है, सो 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। 3 बंदे का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट जो अगर कोई बीच में बैठा भी है देन उसको एक हेडरेस्ट तो मिल जा रहा है, सो दैट इज गुड। यहाँ पर आपको हेलोजन में रीडिंग लैम्प मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिलेगा डोर हैंडल, बट कोई हुक नहीं है, यहाँ पर आपको हुक के साथ डोर हैंडल दिया गया है। हेडरूम के बारे में अगर बात करूँगा, इस हेडरूम काफी अच्छा है मतलब वेन्यू एस वेरियंट पे, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉम्पैक्ट SUV है एंड इसका जो सपोर्ट है, सीट का जो कंफर्ट है वो भी काफी अच्छा है। थोड़ा स्कूप्ड आउट सीट बैक्स है, सो आपको एकदम हक करके रखता है गाइस, सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाता है, सो सेफ्टी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम हुंडई, सो इट्स अ बिग थम्स अप। सो चलिए गाइस अभी चलते हैं सामने। सो सामने में भी इस गाड़ी में बहुत सारा फीचर्स आपको दिया गया है, सो क्या क्या आपको मिल जाता है मैं सामने जाके अभी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस फ्रंट डोर अगर मैं ओपन करूँ, अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको डुअल फिनिश मिल जाता है व्हाइट और ब्लैक पे, बट कोई लेदर टच आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सब पावर विंडो का स्विचेस मिल जाता है, सो ड्राइवर साइड आपका 1 टच डाउन और 1 टच अप है, सो भाई ये मुझे एकदम सही लगा क्योंकि एस वेरियंट भी आपको 1 टच अप डाउन मिल रहा है। यहाँ पर आपका सेंट्रल लॉकिंग का सब स्विचेज है, ORVMs आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलता है बट फोल्डेबल नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। यहाँ पर विंडो लॉक का स्विच है, ट्विटर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, स्पीकर का प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर है। सीट्स के बारे में अगर बात करूँगा, सीट्स आपको यहाँ पर मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगा बट आपको हाइट एडजस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बैकरेस्ट एडजस्ट मिलेगा एंड आगे पीछे करने का आपको लीवर मिलेगा। फैब्रिक सीट्स मिलता है गाइस डुअल फिनिश के साथ, यहाँ पर आपका व्हाइट है, यहाँ पर आपका ब्लैक फिनिश है विथ स्टिचिंग। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको मिल जाता है, यहाँ पर कुछ बटन आपको मिलता है गाइस, ये आपका ऑटो आइडल के लिए है, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल और ये आपका हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस। सो चलिए गाइस अभी बैठते हैं अंदर एंड एक बार इंटीरियर चेकआउट कर लेते हैं। सो डोर्स करते हैं बंद एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द कार वंस गाइस। सो ये आपका पेट्रोल वेरिएंट है, सो डीजल में भी ये गाड़ी अवेलेबल है एंड एक बार एसी भी ऑन कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी एसी आपको मैनुअल एसी मिलेगा। सो इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ गाइस, इंटीरियर आपको यहाँ पर डुअल फिनिश में मिलेगा, सो ये आपका ब्लैक है, यहाँ पर आपको व्हाइट टेक्सचर में मिल जाएगा, कोई भी एम्बियंट लाइट आपको नहीं मिलेगा गाइस इस वेरियंट पे। टॉप वेरियंट पे आपको मिलता है, यहाँ पर आपको कूलिंग फंक्शन नहीं मिलेगा बट अपर वेरियंट्स में आपको मिलता है क्योंकि यहाँ पर मतलब पोर्ट दिया हुआ है बट इस वेरियंट पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ये 8 इंच का सिस्टम मिल जाता है गाइस, जो कि ऑलरेडी आपने बहुत सारा हुंडई के गाड़ी में देखा है। सो इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है, एंड टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स विद द टच रिस्पॉन्स, सो आप इसको यूज करेंगे आपको कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होगा। एंड नॉर्मल ब्लूटूथ रेडियो AM/FM तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। यहाँ पर सब मास्टर कंट्रोल्स है आपका टचस्क्रीन के लिए, हैजर्ड लाइट का स्विच है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैनुअल एसी आपको मिलता है, ब्लोअर कंट्रोल है, टेम्परेचर कंट्रोल है, कहाँ पर आप हवा भेजना चाहते हो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। रियर डिफॉगर का स्विच है, नीचे आपको यहाँ पर एक पॉकेट मिल जाता है, फोन वॉलेट रख सकते हो, USB Type-C का चार्जिंग पोर्ट है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB Type-A का पोर्ट है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है आप देख सकते हो, बट यहाँ पर कोई भी आपको वो ग्लॉस ब्लैक और सिल्वर में कोई फिनिश नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ कॉइन्स रखने का जगह है, डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो कि काफी एक अच्छा फीचर है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऊपर आपको यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है, ऑटो डिमिंग आप एक्सपेक्ट मत कीजिए इस प्राइस पॉइंट पे। वाइजर में आपको मिलेगा एक मिरर बट कोई लाइट नहीं है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक टिकट होल्डर, नहीं टिकट होल्डर भी आपको नहीं मिलता है भाई, एटलीस्ट टिकट होल्डर तो देना चाहिए था एनीवे, बट आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील के बारे में अगर बात करूंगा, स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर डी कट नहीं मिलेगा, नॉर्मल आपको वेन्यू का जैसा ही स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पर आपको मिलेगा बटन्स फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम और यहाँ पर आपको बटन्स मिलेगा टू कंट्रोल दी MID ओवर हियर। वाइपर का कंट्रोल्स है, हेडलाइट का कंट्रोल्स है। एक चीज मुझे अच्छा लगा कि एस वेरिएंट पे भी आपको ऑटो हेडलाइट्स मिल जाता है, सो दैट इज अ गुड जॉब। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में अगर बात करूँगा, इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑलरेडी आपने बहुत सारा हुंडई गाड़ी में देखा है, आपको ये ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। सो यहाँ पर आपका गाड़ी का रेंज दिखा रहा है, यहाँ पर आपका टोटल ओडो रीडिंग, आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर एंड ये आपका कूलेंट टेम्परेचर है। ये जो स्क्रीन है गाइस, वो आप इस बटन के साथ चेंज कर सकते हो। वही हियर एज यू कैन सी ड्राइव इन्फो आप स्क्रॉल कर सकते हो इस बटन के साथ, ऑटो स्टॉप टाइम, फिर आपको यहाँ पर यूजर सेटिंग्स मिल जाता है, फिर यहाँ पर आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। कमिंग टू द विजिबिलिटी गाइस, विजिबिलिटी काफी अच्छा है मतलब एस वेरिएंट का, मतलब वेन्यू का इन जनरल, क्योंकि आप थोड़ा ऊपर बैठते हो, बॉनेट इज इजी विजिबल, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का भी विजिबिलिटी काफी अच्छा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड साइड का भी विजिबिलिटी भाई आपको अच्छा खासा ही मिल जाता है, जैसे कि आप लोग
देख सकते हो। मुझे एक अच्छा चीज लगा कि ये जो मिरर है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको ऐसे करके स्ट्रेच करना पड़ता। सो गाइज, ये था मेरा डिटेल रिव्यू ऑफ द इंटीरियर रिव्यू ऑफ द 2024 हुंडई वेन्यू एस वेरियंट। अगर आपको इंटीरियर रिव्यू पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक बिकॉज इट विल रियली हेल्प द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल। गाइज, ये था मेरा डिटेल रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू 2024 हुंडई वेन्यू एस वेरिएंट। अभी ये तो फिलहाल पेट्रोल वेरिएंट है, डीजल भी ये गाड़ी अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको बोला था वीडियो के शुरुआत पे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करना मत भूलिए, इस वीडियो को विल रियली हेल्प द चैनल। एंड ये वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि अगर आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, आपको थोड़ा हायर ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए एंड आपको हुंडई का रिलायबिलिटी भी चाहिए एंड अगर आपका बजट बिटवीन 10 to 10.5 lakhs है देन तो भाई ये एस वेरिएंट आपके लिए है। आप और एक लाख आप बजट एक्सटेंड कर लीजिए, आपका मॉडिफिकेशन भी सब कुछ हो जाएगा इस गाड़ी में। सो गाइज, वीडियो आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, काफी इजी है भाई, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन चाओ।